हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, परिषदीय शिक्षकों की तबादला नीति। परिषदीय शिक्षक यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक भाई बहन जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र चाहते हैं, जो कि पारस्परिक तबादला यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर रखे हैं। दोस्तों, मामला हाई कोर्ट तक गया और यहाँ पे जो भारांक है यानी जो महिला शिक्षकों को भारांक है, उस मुद्दे को लेकर के और तमाम सरकारी जो मशीनरी है, जो गवर्नमेंट ने तबादला नीति में कुछ प्रोविजंस कर रखे हैं, उसके विरोध में लोग हाई कोर्ट की शरण में गए। लेकिन हाई कोर्ट ने दोस्तों सरकार की तबादला नीति में हस्तक्षेप करने से बिल्कुल भी मना कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा ये पॉलिसी मैटर है, गांव से शहर, शहर से गांव, तो आप शिक्षकों का तबादला बेशक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो विधिक नियम है, जो संविधान के हिसाब से तबादला नीति सरकार ने जारी किया, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। आते हैं दोस्तों पेपर की सुर्खियों में, पूरी की पूरी न्यूज़ आपके सामने कवर करते हैं। अध्यापकों की स्थानांतरण नीति को मिली क्लीन चिट। दोस्तों, यहाँ पे हाई कोर्ट कह रहा है कि नियमों में कोई अवैधानिकता नहीं है। अमर उजाला ब्यूरो की न्यूज़ है, प्रयागराज से कवर हो रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की तबादला नीति को क्लीन चिट देते हुए इसके खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में महिलाओं को स्थानांतरण में 5 क्वालिटी मार्क्स की वरीयता देने को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी टीचरों के तबादले की 2 दिसंबर 2019 को जारी नीति ना तो संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है और ना ही किसी नियम कानून की विरोधाभासी है। ऐसे में तबादला नीति पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मनोज कुमार और 29 अन्य अध्यापकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने कहा कि तबादला नीति में शर्तें लगाना प्रशासन का कार्य है, जब तक कि वह मनमाना पूर्ण ना हो या संविधान के खिलाफ ना हो। कोर्ट दोस्तों उसमें कोर्ट कह रही है कि हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, संविधान के खिलाफ अगर कोई बात नहीं है तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा तबादला नीति के तहत किसी को भी शहर से ग्रामीण या ग्रामीण से शहरी एरिया में तबादला कराने का अधिकार नहीं है, किंतु महिलाओं एवं अध्यापकों या परिवार के सदस्य की गंभीर बीमारी की दशा में तबादले में वरीयता देने की व्यवस्था कानून के विपरीत नहीं है। याचिका में 2 दिसंबर 2019 को जारी तबादला नीति के कॉलम 8 ब्रैकेट में 4 की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत 5 अतिरिक्त क्वालिटी पॉइंट्स मार्क्स देकर महिला अध्यापकों को वरीयता देने की भी व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों हाई कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल अविधिक नहीं है, कोई अवैधानिकता नहीं है, महिलाओं को वरीयता जो दिया जा रहा है वो संविधान की भावना के खिलाफ नहीं। अगर कोई असाध्य बीमारी से पीड़ित है या सरकार महिलाओं को किन्हीं कारणों से वेटेज देती है तो कहीं कोई अवैधानिकता नहीं है, ये संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है और मेरा इसमें हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी है कि अध्यापकों की जो स्थानांतरण नीति थी, जो कि ये माना जा रहा था कि ये फंस सकती है यानी स्थानांतरण रुक सकते हैं, दोस्तों बिल्कुल स्थानांतरण नहीं रुकेंगे, आपके स्थानांतरण होंगे। आपको शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, लाइक तो बनता ही है क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ है, तो आपका लाइक बिल्कुल बनता है। आप इस पर कमेंट करिए और अगर आपने अभी भी मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल को नहीं शेयर किया है तो दोस्तों शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।